गुड शिट के प्रेसिडेंट होने के नाते आप अब्दुल खदर शाहिद हमसे क्या कहना चाहेंगे? क्या भी नहीं, अब लॉकडाउन जब से हुआ सिटी के अंदर जी बहुत सारे चावल का हो या दूसरे चीजों का हो कीमत बढ़ने की वजह से आज हमारे डीसी साहब और पुलिस कमिश्नर दोनों मिलके एक डिसीजन लिए कि ये अभी चावल जो आ रहा है डिपो को पहुंचाने का है और रेलवे का जितना भी माल आ रहा है ये रेलवे को माल वैगन खाली करके दिए तो पूरे इंडिया में लॉकडाउन है। अब ये रेलवे अच्छी सप्लाई देना है सो और यहाँ से हमारे लोगों को हमें कल से परसों से तीन दिन से लोगों से रिक्वेस्ट करके आज लोगों के वास्ते घर में रहना उन्होंने हमें काम करते हैं बोल के पूरे लोग आके काम कर रहे हैं। मेहरबानी से जितने लोग घर में है आज सब जगह भी लॉकडाउन है। अब तुम्हारी जरूरतमंद चीजों को आज मैसूर के डीसी साहब और पुलिस कमिश्नर साहब भी बड़ा सप्ले को है और हमें लारी वाले भी हमें डीसी साहब को और कमिश्नर साहब को 250 लारी हमारे यूनियन में आई। हमारे यूनियन के पूरे मेंबर्स मिलकर एक डिसीजन लेके हैं कि अगर मैसूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर किधर भी हमारे लारियां की जरूरत पड़ी तो हमें फ्री लारी देते हैं। अच्छा, फ्री सर्विस देते हैं। डीजल वो खाली डीजल डाला लेना और ड्राइवर का जो ये रहता वो देना, हमारे को भाड़ा नहीं चाहिए। तो वॉलंटरी तौर पर आपने फैसला लिया है? हाँ, वॉलंटरी तौर हमारी यूनियन ने फैसला लिया है। अच्छा, हम सब मिलके फैसला लिए हैं। हमें 250 लारी डीसी को देते हैं बोल के लेटर भी दे चुके हैं, कमिश्नर साहब को भी दे चुके हैं। हम आपका काम आपके घर तक पहुंचाने का काम हम कर रहे हैं। आप मेहरबानी से घर से बाहर ना निकले, बाहर की हालत को देखे और बहुत सारे लोग हमारे जो घरों में हैं वो बहुत ऐसा ही चुप के आ रहे हैं, चुप ना आते हुए घर में रहे। डीसी साहब ने आज तरकारी के लिए भी बहुत सारे ऑटोस घर घर पे आने का एक प्रोग्राम बनाए हैं, मेडिसिन का प्रोग्राम जो करके हैं वो बनाए हैं। आज ये बीमारी को रोकना है तो घर पे रहना है। आज हम बाहर हैं, आपको घर में महफूज रखने के लिए हम बाहर काम कर रहे हैं। आपकी जरूरत पूरी होगी और बहुत सारे जितने भी डिपो का जो चावल आना है वो दो दो महीने का लेने के वास्ते डिसीशन गवर्नमेंट भी लेके है। हमारे डीसी साहब भी जो बोल के हैं, हमारे लेबर लोग सब काम करने आए हुए हैं, सब कुछ स्कैनिंग चल रही है, सब कुछ चेक करके बाकायदा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं सभी। क्या बहुत बड़ा अवेयरनेस आज लोगों में आना है डिस्टेंस मेंटेन करना। अगर डिस्टेंस मेंटेन कर दिए तो कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। आप मेहरबानी से घरों में रहे, आपके घरों तक आपका अनाज आएगा जी। ये जो इतने लोग आपके इस कारोबार में हैं, मतलब उनको अब तक जो लॉकडाउन था उसकी वजह से बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा था, तो आज जो निकला है तमाम को एक खुशी मिल रही है, कैसा हो रहा है? क्योंकि उनके घरों का सवाल था और बहुत सारे रोज आज काम किए तो शाम को खाने के लोग हैं, इसलिए उनको भी एक काम की वजह से ज्यादा इससे ज्यादा आज लोगों को बचाना है। जी, जी। आज लोगों को बचाने के वास्ते लेबर भी आज मुटर ढोने को आको है, लारी वाला भी, ड्राइवर आके है, ओनर भी, वॉलंटियर्स खुद बाहर आके है हमें खिदमत करने। लेबर और लारी ड्राइवर और लारी ओनर पूरे मिलकर आज मैसूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर किधर भी प्रॉब्लम रहा तो हमें डीसी को भी लेटर देके हैं, लेबर लोग भी देके हैं, हम भी देके हैं, हम काम करने के लिए रेडी हैं। और आप जो घरों में हैं वो अपने आप घर में रहे तो बहुत अच्छा रहेगा और ये बीमारी को रोकने के लिए हम रास्ते पे हैं। हमारे लिए सब लोग दुआ करें, हमारे लेबर लोग को दुआ करें, ड्राइवर को दुआ करें। आप घर में रहकर आपकी जो जरूरतमंद चीजें हैं घर तक पहुंचाने के डीसी साहब भी बोलकर रहे, कमिश्नर भी बोलकर रहे, हमें काम कर रहे हैं, आप घर पर रहे बस। जी, जैसा कि आपके पीछे जो वैगन नजर आ रही है, अगर इसको खाली ना किया जाता तो ये दूसरा लोड कहां से आता? हाँ, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि पूरा आज पूरे इंडिया में लॉकडाउन है। इंडिया में लॉकडाउन रहने की वजह से बहुत सारे वैगन अगर हम खाली कर यहाँ पर दिए तो यही खाली वैगन फिर हमारे इंडिया के अंदर दूसरी जगह में कहीं भी अनाज जाने का हो यही वैगनों में जाता है, इसलिए हम इधर से भी खाली कर रहे हैं और यहाँ से एफसीआई में डाल रहे हैं। एफसीआई से केएफसीएस को जाता है, वहाँ से पीडीएस को हमें डिपो तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें वो काम कर रहे हैं। लोगों को आज खाली करने की वजह से फिर अपना वैगन मिल अभी ड्राइवर को जो पास दी गई है उसमें क्या इमरजेंसी लिखा हुआ है, क्या है? हाँ, ये एसेंशियल कम्युनिटी का जो पास है ये लोगों को हमारे ये बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं हमारे जी, पुलिस कमिश्नर ने हमें बुलाकर ये वॉलंटियर्स को देकर है जी। ये कोई भी
यहाँ के काम के लिए हमें वॉलंटियर्स बनाए हैं, इसलिए ये वॉलंटियर्स का काम क्या है, लोगों को अभी ड्राइवर लोग जा रहे हैं उनको खाना पहुंचाने का है, और लेबर लोगों को खाना पहुंचाने का है, उनको पानी देने का है। इसके वजह से 100 आदमी ये काम कर रहे हैं, 100 आदमी, क्योंकि एक जगह अनलोड नहीं हो रहा है, बंडी पल्या में अनलोड हो रहा है, बंडी पल्या गोडन डिस्ट्रिक्ट में अनलोड हो रहा है, एफसी में अनलोड हो रहा है, और इधर का हमारा एफसी में अनलोड हो रहा है, बंडी पल्या वेरोजिंग में अनलोड हो रहा है, ये दो तीन जगह रहने की वजह से कुमारपीर में अनलोड हो रहा है, ये तीनों जगह लोग के साथ लारी ड्राइवर को लारी में बैठते हुए डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, आज ये बहुत बड़ा डिस्टेंस मेंटेन करने का ही मसला है। सुबह से हमारे सब लोगों को ये दिया हुआ है कि डिस्टेंस मेंटेन करें, लेबर भी डिस्टेंस मेंटेन करें, और ये मास्क डाले मुंह पे, और ये काम कर रहे हैं। अच्छा, सभी इधर स्कैनिंग होने के बाद रेलवे के अंदर आ रहे हैं, ड्राइवर को स्कैनिंग हो रहा है, लेबर को स्कैनिंग हो रहा है, हम खुद आए तो हमारे को भी स्कैनिंग, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये अच्छा है। हम लोगों का काम कर रहे हैं, साथ में कर रहे हैं, काम कर रही है, आप लोग घर के बाहर ना आए। एक आखिरी सवाल है, आपकी यूनियन की जानिब से ये ड्राइवर जो है उनको क्या मदद कर रहे हैं, क्योंकि आनेज वगैरह क्या है? ये जो है हमारे लारी ओनर जी और हमारे लेबर यूनियन वाले सब बैठकर एक बहुत बड़ा लोगों को एक 25 केजी चावल देने का और उनको अनाज देने का, हम लारी यूनियन और लेबर यूनियन दोनों बैठकर और हमारे कंट्रैक्टर से बात कर, हमारे लारी वालों से बात कर, लेबर यूनियन से बात कर, जिनको ये पैकेज देने का ये सब सोच कर है। इंशाल्लाह ये पैकेज लेबर को भी मिलेगा और लारी ड्राइवर को भी मिलेगा। 25 केजी चावल देना है कर हमारे यूनियन में अभी बात कर रहे हैं। इंशाल्लाह हमारे हाथ में जो जो लोग साहिब हैसियत हैं वो सब आगे बढ़ रहे हैं, उनको इनका हम एक एक चावल और उनका पैकेज का, ये आज का एक दिन का नहीं है, ये थोड़ा लंबा चलेगा मेरे ख्याल से। तो घर में रहकर अभी जो कुली करने वाले लोग हैं अपनी जान की परवाह ना करते हुए आज बाहर आकर काम कर रहे हैं जी, ड्राइवर लोग भी यही काम कर रहे हैं। आप घर पे रहे, आप लोगों का काम करने के लिए सारे इंतजाम होकर है, डीसी साहब से भी वादा होकर है कि घरों तक माल पहुंचाने का, हम लारी यूनियन वाले भी बात करके लेटर दे चुके हैं कि 250 लारी हमें मुफ्त में आपको देंगे, बिल्कुल मुफ्त में देंगे, खाली डीजल डलाओ, हमारे को भाड़ा नहीं चाहिए। आज लोगों को बचाने का काम है जी जी, देश के वास्ते जान देते हैं जो लोग बोल रहे थे, वो लोग जान देने की जरूरत नहीं, आज देश खुद बोल रहा है कि आपका जान बचाओ, आप बचेंगे तो देश को बचाने आएंगे। जो मेंटेन करते हैं ये मेंटेन करना है, बहुत सारे स्टेट्स में लोग खाने को खाना नहीं है, रोड पर चल रहे हैं, उनका भी इंतजाम होना चाहिए। अब जितने लोग हमारे थोड़े वॉलंटियर्स रास्ते में जाने वालों को भी खाना पहुंचा रहे हैं, वॉलंटियर का कार्ड डाले हैं पुलिस का, और ये अनाज भी थोड़े बहुत सारे घरों के पास रख रहे हैं, मैं खुद देखा हूँ, कोई मुंह नहीं दिखा रहा, बहुत लोग फोटो लेने के लिए तैयार हैं। आज मैं बोलने की वजह भी ये है कि आज फोटो लेने का एक आप एक किसी को आप अनाज दे रहे हैं तो 100 आदमी को खड़ा के देने का कानून नहीं है, आप अनाज देना है अपने आप घर के पास लेके जाके दे दीजिए, आप वहाँ फोटो ले लीजिए, आज का माहौल ऐसा नहीं है। आप इकट्ठा करके आप चावल देना या अनाज देना या खाना देना ऐसा मत करिए, आप मेहरबानी से अल्लाह को राजी करने का काम है। आज खाने का मसला है, जिसके पास पैसा है वो अपने आप को बाहर आए और पैसा अच्छी जगह एक जगह लगाए, लोगों को आज मदद की जरूरत है, आज खाने की जरूरत, आपके पैसे की जरूरत नहीं है, आपके अनाज की जरूरत है, मेहरबानी से। क्या नाम आपका? जावेद खान जी जी, काटरों से बंद था काम जी, कम से कम 300 आदमी है लेबर से जी, ड्राइवर आए 300-700 आदमी है जी, बाहर 1,000-1,500 आदमी, 2,000 आदमी है, यहाँ जरा तकलीफ हो गई थी, क्योंकि रोज का कमाना खाना बूटे का काम बोले, रोज कमाना खाना, अब इधर कोरोना और बोल तो बंद करना पड़ते हैं, बहुत सी जगह तकलीफ, खाने पीने से खेड़ा पड़ा बने वाने सोलह तारीख में, फिर जब कंप्यूटर साहब 20,000 परमिशन दिए, चावल ट्रेन करता है।
लॉकडाउन जब से हुआ तब से तुम्हें तकलीफ थी? तकलीफ जी, कब से ये हुआ जब से खाने पीने को तकलीफ हो गई है। अच्छा, फुल्की का तो कुली वाला पूरा हमें रोज कमाना रोज खाना वो हालत में जी, ठीक है, रोज काम चला तो घर के अंदर खाते नहीं तो नहीं ऐसा हालत जी। आज क्या कमेटी साहब परमिशन देने में अब मिलकर पूरा आकर सब काम कर रही है, सब तरह सहूलत है। सोसाइटी के चावल है जी, जब से सोसाइटी चावल है सबसे शुक्रिया।